हाँ, सारी चाय खत्म हो गई, सिर्फ चार चाय ही बची थी। कोई बात नहीं, मसाला टी मस्त है, बहुत अच्छा बनाया है। मेरी मसाला टी बहुत फेमस है। हाँ? इसका बिना एक बजते ही रोज का इसका नाटक हो गया है। ठीक, पॉइंट सड़क पर दो दो लोगों की हत्या हो गई है। वीरापुरम में लगातार सड़क हादसे की वजह से पुलिस परेशान है, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या होगा। बोलो भाई। 22 सितंबर 5 तारीख को हमारी यूनियन मीटिंग है, आप अरे जरूर आऊंगा, कैसे भूल सकता हूँ। ठीक है भाई, मिल के बात करते हैं। ओके भाई। सितंबर 5 तारीख को मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा हादसा हुआ था, याद नहीं आ रहा है। सुनिए जी, आप इस तरह बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं? अरे कुछ नहीं, सितंबर 5 तारीख को यूनियन मीटिंग है, याद नहीं आ रहा है कि उस दिन मेरी जिंदगी में क्या हुआ था, वही याद करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं बैठकर। आपको याद नहीं है क्या? मैं भी देखती हूँ इन्हें याद आता है या नहीं। अरे छे बकवास, उस दिन तो हमारी शादी हुई थी ना। बकवास कर रहे हैं, रात को घर आएंगे ना। लगता है आज रात को भी खाना खुद बनाना पड़ेगा। यहाँ देखो बेटा, इधर देखो बेटा, इधर बेटा, यहाँ देखो ना। एरो कह रहा हूँ। बेवड़ा कहीं का, सुबह सुबह आ गया पता नहीं कहाँ से। हे, शादी में अभी दो दिन बाकी है, अभी कहाँ जा रहे हो? छोटा सा काम है दीदी, मैं करके आता हूँ। ये बेवड़ा तुम्हें पीने के लिए बुलाया, तो कहीं चले मत जाना। दीदी, आपने जो कहा वो मुझे सुनाई नहीं दिया। अच्छे हो भाई, कॉफी पियोगे तुम? मेरी बेइज्जती करके कॉफी पूछ रही है। हे, चल चलते हैं। ठीक है दीदी, मैं जाकर आता हूँ। सुनो, जल्दी आ जाना। यार गाड़ी मैं चलाऊंगा। हे जा रहे, टू व्हीलर तो चला नहीं पाता, तू फोर व्हीलर चलाएगा? देखना एकदम तुझे मैं फोर व्हीलर चला के दिखाऊंगा, तू जानता नहीं मुझे। चल अब गाड़ी निकाल। हाँ देखता हूँ देखता हूँ। क्या यार, दीदी मेरी बहुत खिंचाई करती है। तेरी होने वाली बीबी क्या कह रही है? तू अपना काम करना। ऐसा क्या? ला ला हसीनों को। ये क्या, भूतनी जैसी लग रही हो तुम। मेरा मजाक मत उड़ाओ। अरे सच में दादी, तुम एकदम भूतनी जैसी लग रही हो। उम्र के साथ साथ तुम्हारा मेकअप भी बढ़ते जा रहा है, इस उम्र में तुम्हें इन सब की क्या जरूरत है? सुनना, मेरा मेकअप देख के तेरे दादाजी बेहोश हो गए थे। मैं सच कह रहा हूँ, इतना मेकअप देखकर दादाजी ही क्यों, कोई भी देखकर बेहोश हो जाएगा। पान का डब्बा उठाने की उम्र में तुम मेकअप का डब्बा उठा रही हो। उम्र हो गई तो मेकअप नहीं करनी चाहिए, अगर तेरे दादा जिंदा होते तो मुझे रोज मेकअप करने के लिए कहते। हाँ, तुम्हारा ये रूप देखना नहीं चाहते होंगे, इसीलिए वो ऊपर चले गए, समझी। तुमसे बात करके मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। अरे आते वक्त पाउडर लेकर आना। आते समय लाल कलर का पेंट लेकर आता हूँ, पूरे चेहरे पर लगा लेना, मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम खूबसूरत लगोगी तुम। अपनी दादी के लिए इतना भी नहीं करेगा। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अच्छी तरह से सुन लो। डुप्लीकेट को ओरिजिनल बनाने की कितनी भी कोशिश कर लो, डुप्लीकेट डुप्लीकेट ही रहता है, समझी। लेकिन अगर ओरिजिनल को डुप्लीकेट में बदलने की कोशिश करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है, और यही सच है। समझ में आया क्या दादी? आपको मेरी बात समझ में आई ना? कैसी रही मेरी कहावत? तुम्हारे जैसा ही। मेरे जैसा मतलब? एकदम बकवास। मुझे बकवास बोल रही है? लौटने के बाद तुम्हें बताता हूँ। रुक जाओ रुक जाओ, आते समय चूना लेकर आता हूँ, वो लगा लेना। हाय डार्लिंग।
मैं अभी जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ डार्लिंग, ऑलरेडी 6 पैक कंप्लीट कर चुका हूँ डार्लिंग, अभी मैं 8 पैक की तैयारी कर रहा हूँ, देख लेना नेक्स्ट मिस्टर इंडिया कंपटीशन मैं ही विन करूँगा, फिर सबको पता लगेगा। ओके डार्लिंग, मास्टर जी आ गए हैं, बाद में कॉल करता हूँ। क्या भाई, शादी से पहले 4 पुशअप करने में भी तेरी हवा टाइट हो जाती थी, अभी तो तू 40-40 पुशअप भी आराम से कर रहा है, ये सीक्रेट जरा मुझे भी तो बता ना, काम आएगा। ए, तू पहले ट्राई करके तो देख, तू कर पाएगा कि नहीं, समझा ना? अगर वो हो रहा है तो ये बाइसेप के लिए ओके है, अच्छी तरीके से स्ट्रेच करके फिर ऊपर करना है, स्ट्रेच करना है फिर ऊपर करना है, समझ में आया? ऐसे ऐसे चल, आराम से कर, अच्छे तरीके से। इसमें थोड़ा वजन डालना, यही ज्यादा लग रहा है मास्टर जी, जितना हो सके उतना तो डाल। या भाई बोलिए भैया, प्यार की शुरुआत होते ही जिम आना ही बंद कर दिया तुमने? ऐसा कुछ नहीं है भैया। ठीक है, देख के करो। ठीक है भैया। गणेश, ये ले। कहाँ गई? अपनी वाली दिखाई नहीं दे रही है। ए! यार टाइम क्या हो रहा है? 4:30 हो रहे हैं। अरे तुम्हें लगता है कि ये लोग टाइम पे आएंगे? तूने कब बोला उन लोगों को टाइम पर आने के लिए? अरे मैंने आज के लिए बोला था। तो आज ही बोल रहा है ना, तो चुपचाप भाई भाई टाइम हो रहा है। ए, रुक जा भाई, हम लोग भी आ रहे हैं खेलने के लिए तुम्हारे साथ टाइम पास, अब कितना वेट करेंगे यार? अब कोई ना कोई कहानी बताएंगे ये लोग। अरे यार इसकी वजह से लेट हुआ। अरे तुम लोगों के दिल में रहम है या नहीं? शादी का काम ऐसे ही पड़ा है और तुम लोग पकड़ कर मुझे यहाँ ले आए। देख यार, वैसे भी शादी के बाद तू हमारे साथ खेलने वाला है नहीं, उसके बाद तू बिजी हो जाएगा, तो इसीलिए हमने सोचा आखिरी बार खेल ले हमारे साथ, चल। ए भाई मैं ऐसा नहीं हूँ यार। तू घर से निकलेगा या नहीं वही देख रहे थे। तूने एकदम सही बोला। चल चलते हैं यार। चल मैं एक बात बोलूँ क्या? शादी के बाद क्या करना है तुझे पता है? नहीं पता तो तू क्या करेगा? जाकर तुझे सिखाएगा। अरे अरे अरे, ये अकेले ले जाकर तुझे सिखाएगा, समझ रहा है? ये तेरा बेटा है? हाँ मेरा बेटा है। कितने दिन हो गए ना हमें एक दूसरे से? इसे अच्छे से तैयार करना, दूल्हा देखता रह जा। सुनिए रिसेप्शन का टाइम हो गया है, अरे तू भी जल्दी आ जा। बेटा जल्दी आ जाओ, तैयार हो गए हैं। कैसी है ना? आपने कॉफी वगैरह किया क्या? हम खा चुके हैं और लोगों को देखो। ठीक है ना? हाँ हाँ मैं देख के आई, वो तैयार है। और सब लोग आए हैं ना? मैं खा चुकी हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं। तुम अभी आ रहे हो? हाँ अंकल। अरे बाकी दोस्त वो बस आते होंगे, बुलाओ उनको जल्दी। आते ही होंगे। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? बहुत सुंदर लग रही हो बेटा। ए ट्रेनर, तू तो भाई बराबर मेंटेन कर रहा है, दारू नहीं पिएगा? जिम में सारा प्रोटीन अकेले ही पी लेता है। देखो भाई, काजू अच्छा होता है। कुछ भी हो भाई, अपने दोस्त को एक अच्छी लड़की मिल गई, उसकी लाइफ सेटल होने वाली है। सेटल हो या ना हो, मेरा ग्लास तो खाली होने वाला है, मुझे एक पैक और चाहिए। अब इसे कौन सेटल करने वाला है वो तुम लोग सोचो। ए, हमसे क्या पूछता है? पार्टी दूल्हे ने दी है यार, तो उससे जाके पूछना। बुलाना यार दूल्हे को। क्या कर दिया यार?
तू चाहे किसी को भी बुला ले, बस मुझे पैक चाहिए और कुछ नहीं। मैंने जो चढ़ाया उसे उतार के आता हूँ। ए सिगरेट है क्या? एक ही बचे हैं। ए माचिस है क्या? तू बेकार आदमी है। अच्छा यार तेरे पास माचिस है? नहीं है यार। ए अबे कहाँ जा रहा है? सुपर रुक जा मैं भी आता हूँ। सिगरेट पीने जा रहा हूँ। दम मारने के लिए कंपनी में जा रहा हूँ। इधर ला। अरे दूल्हे का कमरा है। हाँ हम सही जगह पर आए। ये आ गए तुम लोग? रोज के साथ रोमांस कर रहे हैं यार। शराब कम पड़ गई। किसी को बोलना लेकर आने के लिए। इस टाइम तो किसको लाने के लिए बोल रहा है? वो सब मैं नहीं जानता। बस मुझे शराब पीना तो मंगा, समझा? ए ये वजह मुझे टेंशन मत दे यार। क्या यार टेंशन में आ जाएगा तू? क्या यार कितने शादियों में शराब कम पड़ गई तो तूने मुझसे मांग कर पी, तो क्या मैंने तुझे ला कर नहीं दिया क्या? अब तो दूल्हा बन गया तो हमें घमंड दिखा रहा है? हाँ यार ये ज्यादा घमंड दिखा रहा है। मेरी बहन की शादी में तूने एक लड़की का हाथ पकड़ के लफड़ा किया था, तो क्या मैंने उस बात को नहीं छुपाया किसी से? मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया? मैं तो बस शराब मांग रहा हूँ। मुझे कहीं से भी शराब ला कर दे। क्या यार तुम लोगों को अभी शराब चाहिए क्या? दूंगा एक खींच के। कहाँ जा रहा है? क्या हुआ? भगवान ये क्या हो गया? देखो आप लोग कैसे लड़के के साथ शादी कर रहे हैं। शादी के दिन भी कोई शराब पीता है? तुम लोगों की वजह से सब कुछ हुआ है। क्या हुआ यार? पता नहीं। क्या रे रुक गई ना शादी? हाँ एक पेग नहीं मिलता तो तू मर जाता क्या? मैंने नशे में झगड़ा किया मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन वो तो हमारा दोस्त है ना, वो छोड़कर क्यों गया? किसको पता था यार इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। कल ही लड़की के घर पे जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए था। अभी बात करके क्या फायदा? हे हम दूल्हे के दोस्त हैं, हम शराब पी सकते हैं, लेकिन वो वहाँ आखिर क्यों आया था? वो कहाँ आया था? तुम ही लोग उसके रूम में गए थे। क्या फालतू बातें कर रहे हो यहाँ पे? अकल नहीं है क्या तुम लोगों में? अपने ही दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। क्या जरूरत थी इतनी शराब पीने की? पापा हम लोगों ने जानबूझकर नहीं किया, बस ये सब मस्ती मस्ती में हो गया। उसके साथ बुरा हुआ इस बात का हमें दुख है, और आप भी अभी हमें डांट रहे हैं। क्या डांट रहा हूँ? अरे तुम लोग की तो हड्डी तोड़ देनी चाहिए। डोसा जल रहा है देख उसे। अरे देख वाह 9:30 बज गए हैं ना, अब आप कुछ भी बोलोगे उसे कुछ सुनाई नहीं देगा। कई सालों से वो यही कर रहा है फिर भी बात समझ में नहीं आती। 4 साल में आदमी डोसा क्या पनीर बनाना सीख जाए? सारे बेवकूफ मेरे ही सर पे हैं। पापा एक मिनट इधर आइए। काम क्या है? इधर आइए तो सही। बोलो क्या? नहीं यार बोलो। जरा यहाँ आइए। अब जरा इसमें हाथ डालिए। जल जाएगा बे। जल जाएगा पता है ना, उसी तरह से प्यार होता है। एडवाइस देना आसान है लेकिन उसे फॉलो करना बहुत मुश्किल। अब अपने बाप को सिखाएगा। छोड़ दीजिए पापा, गलती से बोल दिया। अब कैसे कहे हम तुझसे तू ही बता। दिल ये बोले तू है वजह। अब कैसे कहे हम तुझसे तू ही बता।
अब तो मुझसे है मैं हूँ फिदा बोलो ना तुम अब तो मुझसे मैं हूँ फिदा अरे तुझ पे ही अब तो हम है फिदा बहुत कड़क है इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा पूरा दिन देखने का मन कर रहा है ना ए अपना मुंह बंद रख जिस काम चाहे सिर्फ वो काम कर वो आदमी उल्टी खोपड़ी का है अरे ये क्या मत पड़ गई है तेरी मेरे साथ है। मेरा नमक खा के मेरी बहन की बेटी के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा अपनी औकात भूल गया है तू भाई माफ कर दो ऐसी करके माफी मांग रहा है नहीं। आज के बाद अगर इस एरिया में दिखाना ये तो इसको यहीं इसी जमीन में दफन कर देना मैं इसे पहले ही समझा रहा था कि वो आदमी उल्टी खोपड़ी का है अरे रे 9 बज गए देखती हूँ अभी अरे ये तो बंद हो गई हाँ बोलिए
आपको क्या चाहिए? एक स्पेशल डोसा। बस एक ही चाहिए? बस एक मिनट रुकिए। पापा साइड हटिए। रहने दीजिए, पैसे की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पैसे नहीं लेंगे तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी फिर। ठीक है, फिर पैसे दे दीजिए और आप आते रहिए। आप आएंगे तो अच्छा लगेगा। एक मिनट सुनिए, ये जो डोसा है ना, मैंने आपके लिए एकदम स्पेशल बनाया है। घर जाकर आराम से खाइएगा, मजा आएगा। अरे रे, ये मेरे लिए नहीं है, माँ के लिए। क्या कहा? माँ के लिए? अरे रे, इस पूरी दुनिया में होने वाली सास के लिए डोसा बनाकर देने वाला तो पहला दामाद होगा बेटा। मतलब सुबह मेरा एनकाउंटर होने वाला है। जल्दी आ जाओ, सारे पॉइंट खाली हैं। ए कल्लू, चल गाड़ी निकाल। ठीक है भाई। ए, उस बेवकूफ को बोल कि लाइट ऑफ करे। ए पागल, लाइट ऑफ करना भाई। वो क्या है ना, वो नया है, उसे समझा के लाना चाहिए था ना। ए तू स्पॉट पे जा। ठीक है भाई। तू गाड़ी निकाल। ए, 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 गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। अरे ये कौन है? जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे ये जिंदा है, उठाओ इसे, उठाओ उठाओ उठाओ, जल्दी उठो। अच्छा हुआ हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे इसीलिए, वरना क्या होता। देखो तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आइए। मालिक क्या हुआ? मालिक कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर ने बोला है कोई चिंता की बात नहीं है। देखो परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। आप ये रख लो। नहीं चाहिए। रख लो, काम आएंगे, जरूरत पड़ी तो बता देना। ठीक है, अपना ख्याल रखना। कैसे हैं आप? आज नहीं चाहिए, आज का पानी है। मेरे एरिया में मुझसे पूछे बिना किसने डाला? कौन है मैं देखता हूं। ए, कौन है रे? तेरी तो क्या रे, ऐसा क्या देख रहा है तू? क्या यार, तू ऐसा क्यों कर रहा है? यार किसको बोल रहा है तू? तूने अपनी बहन की शादी मुझसे करवाई है, दोबारा यार बोलने की जरूरत नहीं है। ओ पनौती, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी को पनौती लगा दिया है। अब मैं बताता हूँ ये राहुल कौन है। ये राहुल की वजह से अब शनि तुम्हारा नाश करने वाला है। ये बात तू अपने साथियों को जाकर बता देना। जा यहाँ से। इसको क्या हो गया? थैंक गॉड, आज मैं चैन से घर जा सकती हूँ। ये देखो आ गई है, चल चलते। ओफो, ये लोग फिर से आ गए। यार इसको ऐसे ही प्यार से देखते हुए चलते जाएंगे। यार, यार सिर्फ इस गली में इतना उजाला है। यार ये तो इसके कपड़े की वजह से है। हाँ। समझा, ऐसी परी आगे आगे चलेगी तो उजाला तो होगा ही ना। तू नहीं समझेगा, छोड़। भाई तू परी किसको बोल रहा है? वो देख जा रही है ना मेरी परी। पता नहीं ये परी कब मेरे घर में उजाला करेगी। और कितना दूर जाना पड़ेगा यार? अरे इसके पीछे पीछे घर तक जाते हैं ना भाई। वो तो घर के अंदर जा रही है। ये मेरी ससुराल है। अबे तू अपनी सास को देखने आया था क्या? मेरी परी जा रही है यहाँ से। पलट के भी नहीं देखा यार। हाँ हाँ चल। हे वो देख रही है। गुस्से से देख रही है। तू चलना यार। हाय।
क्या बात है, पार्लर में कोई दिखाई नहीं दे रहा? क्यों, तुम्हें इससे क्या मतलब? नहीं, मैंने ऐसे ही पूछा। ठीक है, क्या काम है? वो क्या है ना कि मुझे तुमसे ना एक बात करनी है। क्या बात करनी है तुम्हें? एक्चुअली वो ऐसी बात है कि क्या होगा, कैसे बोलूं? अच्छा एक मिनट रुकिए, एक मिनट, हाँ मैं भी आता हूँ। ये पानी है ना, ये एकदम ठंडा रहेगा। जैसे ठंड के मौसम में पानी ठंडा रहता ना, वैसे ही। तुम जो कहना चाह रहे हो मुझे सब समझ आ रहा है, लेकिन तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। क्या बोला भाई? हाँ, तुम जैसे लोगों को भाई बोल के निकल लेने का। ओ, अभी समझ में आया, छोटा भाई बोलकर रोज मिल्क खरीद कर देने का जमाना है ये। वैसे रोज मिल्क पीती हो ना तुम? ओ, तो तुम मुझे झाड़ू से मारने वाली हो? मारो, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। आ जाना, हम मिलकर रोज मिल्क पियेंगे, ठीक है? बाय बाय। रोज मिल्क खरीद कर देती हूँ। रोज मिल्क क्या? इसका बिना यार, देखो आते एंट्री फीस मांग रहा भाई। भाई एक पैक के लिए कुछ मिल जाता था। कोई बात नहीं, ये ले। हाँ यार, अभी भर के आ रहा हूँ, जस्ट भर के आया हूँ। थोके बॉस, थोके थोके, जाइए जाइए जाइए, आराम से जाइए जाइए। क्या यार सड़क साफ लोगों को तुम बार मिलाकर बेइज्जती कर रहे हो हमारी। बस मुझे भी। कौन है रे? हमारा गला काटने के लिए अगर कुछ आ गए तो क्या चाहिए तुझे? पैसे नहीं चाहिए बॉस, तो बस थोड़ी सी शराब मिल जाए तो। ये क्या है? इसमें थोड़ी सी शराब डाल दो ना बॉस। अभी ऑर्डर भी नहीं दिया और तू एडवांस में आ रहा है। बॉस चल पिला दीजिए ना। हे, तू इसका मतलब समझा कुछ? नहीं समझा। मतलब एडवांस भिखारी, समझ गया ना? हे, हाँ बोलिए बॉस। पहले यहाँ से निकल। ठीक है, दूसरा टेबल देख लेता हूँ। अरे अपना नंदू भाई है ना, कैसे जी रहे हैं ये लोग? कहाँ से आते हैं यार? अब देखना, कल तक हम पांच लोग मस्ती में साथ में घूमते फिरते थे, लेकिन आज सिर्फ हम चार लोग ही। छी, ये भी खत्म हो गई, हाथ कांपना शुरू हो गया यार, क्या करूं? भैया क्या रे, पांच रुपया कम पड़ रहा था। क्या पांच रुपया? हाँ भैया। अब मैं बताता हूँ इन लोगों को, अब इन लोगों की बेइज्जती कराता हूँ। चल तुझे क्वार्टर खरीद कर देता हूँ। भाई थोड़ा दारू पिला दो ना। आजा, फुल खंबा लेकर देता हूँ। ए बेवकूफ, तू ऐसा फील कर रहा था? वहां देख स्टाइल मारता हुआ कैसे आ रहा है इसकी तो। अरे ये क्या, ये इन लोगों के साथ घूम रहा है? भाई आज मजा आ जाएगा, तो फुल दारू पी के मस्त खाएंगे एकदम आराम से। ए, उसके बारे में तुझे पता है ना, फिर क्यों बात कर रहा है, छोड़ना। भाई आप टेंशन मत लेना। हेलो, बोलिए भाई। सुबह मैं पक्का कर दूंगा भाई, तुम टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। अरे भाई उसके बारे में बात करके टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, जिसको जो चाहिए ऑर्डर करो ना, चलो जल्दी करो। जरा इधर आना, चुप करके बैठा रहे। अरे हमारा ऑर्डर कब लेगा तू? नमस्ते भाई। ऑर्डर लिख, चार बियर, चार बियर एकदम चिल्ड, चार हाफ, चार हाफ और चार ग्लास, चार ग्लास, उसमें से खाली ग्लास लेकर आना, खाली ग्लास, चार पाउच पानी, चार पाउच, समझ गया ना, जले करा। ठीक है, वो तो ठीक है भाई, आपका प्यार व्यार सब ठीक चल रहा है यार। एक तो बाप मेरे पीछे पड़ा है, ऊपर से तू दिमाग खा रहा है। नंदू। हाँ भाई। इधर आ। हाँ भाई। हम लोग इधर तमाशा देखने आए हैं क्या? ऑर्डर लिख। हाँ। दो बियर, दो बियर, दो हाफ, दो हाफ, आठ वाटर पैकेट, आठ वाटर पैकेट, आठ ग्लास, आठ ग्लास। अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, जाकर ले क्या? ठीक है भाई। भाई हम लोग तो चार ही लोग हैं, इतना क्यों मंगाया? वो लोग जो मंगाएंगे ना उसका डबल मंगाऊंगा मैं। ओके भाई, ना समझ गया समझ गया, देखा भाई का दिमाग देखा। ये रहा आपका ऑर्डर भाई। ए नंदू। हाँ भाई। एक वेज सैलेड, एक चिकन तीखा, एक सोडा। यार ये ऐसा क्यों कर रहा है? ठीक है भाई। ए नंदू। हाँ। दो वेज सैलेड, हैं? दो चिकन टिक्का, जल्दी लेकर आ। ठीक है भाई। हाँ भाई, दो सिगरेट लेकर आना यार। ठीक है भाई। ए नंदू, आपके लिए भी सिगरेट ना, समझ गया मैं, जल्दी लेकर आ। हाँ।
संभाल गया। ए सुनना, उसका बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है। तुझे जो करना है जाके करना। अभी मैं क्या करता हूँ तू देख। वो बोलना है बोल दे। ए नंदू, हाँ? एक पॉइजन। ए नंदू, हाँ? दो पॉइजन। सही कहा ना भाई। देखा ना भाई, ए, चलो फिर चलते हैं। भाई टेंशन में और तू हंस रहा है। संभाल के यार, चल चल चलते हैं। अब बिल्कुल देगा यार। अरे बेटा रुको 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 रुको, अभी तुम्हारा दोस्त डाल के गया है, अभी तुम आए हो क्या? वो अरुण आया था, लेकिन ऑर्डर तो मेरा था। कल रात को फोन कर करके मैं थक गया, इसलिए ऑर्डर बदल दिया। ए, कहां हो रहे तुम लोग? यही है वो। और यहाँ पर कैसे? यार अरुण, शराब पिलाकर मुझे बेहोश कर दिया और सारा ऑर्डर तूने ले लिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं दिखाता हूँ तुझे। दिखाना दिखाना, तू क्या है? तू कुछ भी कह, मैं डरने वाला नहीं हूँ। ए यार, ए ये सीरियसली बात कर रहा है और तू कॉमेडी कर रहा है? क्या बात है भाई, काम खत्म हो गया? तेरा चेहरा तो पूरा लालम लाल है, लगता है तेरी वाली ने हाँ कर दिया है। पप्पी की बरसात हुई तेरे ऊपर। जो भी हो, तेरी खुशी में ही हम भी खुश हैं। हे, उसने मुझे बहुत मारा यार। तुझे मार दिया? अबे क्या बोल रहा है तू? किसने मारा? राहुल के दोस्त ने। राहुल ने मारा होता तो कोई बात नहीं थी। उसका यही नाटक है। लेकिन उसके आदमियों ने मुझे बहुत मारा। सच बोल रहा है क्या? हाँ यार। अभी वो लोग कहाँ मिलेंगे? चलो मैं बताता हूँ। चल। तू चुप बैठ, बता तुझे किसने मारा? इन्हीं लोगों ने मारा। और वहाँ पर वो जो कालिया खड़ा है ना, उसने मेरे मुंह पर बहुत जोर का मारा यार। हाँ मैंने मारा, क्या करेगा तू, चल निकल निकल निकल। ए, ये हमारे बीच का लफड़ा है, तू बीच में क्यों बोल रहा है? ए, ये बार बार मेरे साथ धोखा कर रहा था, इसीलिए मैंने इसे मारने के लिए बोला, अब क्या करेगा? ए, क्या है रे, लड़के लोग साथ में तो उछल रहा है क्या? ए भाई, हाथ उठा के तूने अच्छा नहीं किया। ए तू रुक जा। ए तुम लोग चलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। Oh!
इतने साल से तू मेरा दोस्त था इसलिए छोड़ रहा हूँ। तू मुझे अच्छी तरह जानता है ना, बोल दे रहा हूँ अगली बार छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। अरे यार तू पूरा पागल है क्या? क्या हुआ दादी, बहुत शांत लग रही हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। इतनी उदास क्यों लग रही हो? मैंने सुबह में टीवी में एक एड देखी है। तो फिर? अनुष्का है ना, अनुष्का क्रीम का एड कर रही थी, बहुत अच्छा था। सोच रही थी वो क्रीम तुमसे कैसे मंगवाऊं। क्या, इतने दिनों से जो खरीद कर दे रहा हूँ वो काफी नहीं है क्या? रोज नई नई क्रीम बताती रहती हो। अच्छा दादी एक बात बताऊं, जरा यहाँ आना। क्या बात है? जरा इधर तो आओ, इधर आओ। बोलना बेटा। अगर इतना मेकअप करोगी तो चेहरा मुरझा जाएगा। देखो तुम्हारा चेहरा कितना मुरझा गया है। बुरी हो गई तो चेहरा तो मुरझाएगा ही। नहीं लाना है तो मत दे, लेकिन मेरी खूबसूरती के बारे में मत बोल। जा यहाँ से, मैं जा रही हूँ सोने। क्या दादी तुम मुझसे नाराज हो? मैं जो बोल रहा हूँ अच्छी तरह से समझ लो। ये देखो जिंदगी में हमारे हालात हमें बदल देते हैं, ठीक है ना? हालात के हिसाब से हमें भी बदलना चाहिए। अगर इस उम्र में तुम मेकअप के लिए जिद करोगी ना तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। एक्चुअली मैं क्या कहना चाहता हूँ ना दादी, बस इतना ही मुझे तुम्हें समझाना था दादी, ठीक है ना? दादी दादी ए बुढ़िया, दादी 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 क्या हुआ? दादी मुझे देखो, दादी दादी। रात को तूने बुड्ढी के सामने कोई स्टैंड अप किया था क्या? लग रहा है कि तेरे स्टैंड अप को ऊपर पहुंचाने के लिए ये भी ऊपर चली गई। अब तो तेरे टैलेंट की तारीफ ऊपर वाले भी करेंगे। छोड़ना, उसके बारे में तुझे पता है ना? ठीक है छोड़ना। भाई रिश्तेदारों को बता दिया है ना? हाँ बता दिया है यार। ठीक है चलते हैं। ठीक है हम लोग शमशान जाते हैं। एक हेल्प चाहिए यार, जब तक मेरी दादी थी बिना मेकअप के नहीं रहती थी, अब अगर सारा क्रियाक्रम बिना मेकअप के हुआ तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है लेकिन तू करना क्या चाहता है? यार उसकी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे तभी उसको शांति मिलेगी। ओह ये लोग मेरे बारे में बोलते हैं, समझना यार। तो तू चाहता है कि दादी का मेकअप करके क्रियाकर्म किया जाए? तेरे लिए तो नहीं लेकिन इस बुड्ढी के लिए मैं जरूर करूंगा। चल यार चलते हैं। सुन तू अरुण के साथ उस मेकअप वाली को लेकर आ जा। अरे यार चल ना। अरे आना ना, रुक जा। बोलिए। मेकअप करवाना है? सॉरी ओनली लेडीज। अरे नहीं लेडीज का ही करवाना है। ठीक है लेकर आओ उन्हें। नहीं नहीं वो नहीं आ सकती, आपको वहाँ चलना पड़ेगा। घर जाकर मेकअप करने का 3000 चार्ज लगेगा। ठीक है। हाँ हाँ कोई बात नहीं। ओके ओके है ना? हाँ हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा। ओके ठीक है। उन्हें नहा कर रेडी रहने के लिए बोलिए, मैं आती हूँ। हाँ ऑलरेडी उसको नहला दिया है क्या? नहीं नहीं वो नहा कर रेडी बैठी है, आप चल के शुरू कर दीजिए। ओके वेट कीजिए मैं आती हूँ। ए भाई उसको सच्चाई पता चल गई ना तो वो नहीं आएगी। नहीं आएगी इसीलिए मैंने उसे नहीं बताया। बहुत भीड़ है यहाँ, बड़े घर की बेटी है क्या? हाँ इस गांव में सबसे बड़ी पार्टी यही है, है ना भाई? यहाँ तो डेथ हुआ है। हाँ डेथ फंक्शन है। देखिए जल्दीबाजी में हमें समझ नहीं आया इसलिए हम आपको झूठ बोल कर ले आए। आपको इसी मरी हुई दादी का मेकअप करना है। प्लीज कविता समझने की कोशिश करो, दादी की आखिरी इच्छा यही थी इसलिए मैं यहाँ लेकर आया तुम्हें।
मेरी वाली तो मस्त है। ये हमारे दोस्त मोहन की दादी हैं। हे, अपनी दादी के बारे में बताना, तभी ये समझेगी। तूने दादी को मारा ये मत बताना। क्या? मैंने दादी को मारा? अबे ये नहीं बोला था। हाँ कविता, मेरी दादी मेकअप के बिना नहीं रह सकती है। उसकी आखिरी इच्छा थी कि मेकअप के साथ ही उसे। ये तो इंटरेस्टिंग मेकअप कर रही है, जरा चेक करता हूँ। ये सुनना, बोलना। जब दादी मर गई थी उस स्पॉट पर तू किसके पीछे भाग रहा था? देख भाई, हमें जिंदगी में जो पसंद आते हैं उनके पीछे भागेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं, समझ गया ना? ऐसा है क्या सर? वैसे आप कितने किलोमीटर तक भागे होंगे? ए, ये क्या हुआ? ए कुमार इधर आ। क्या हुआ? ये हाथ में माला लेके कहाँ जा रहा है तू? वो सब्जी वाला पलनी था ना, वो गुजर गया। कैसे हुआ? कल रात को कोई एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? उन्हीं के लिए लेकर जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है, तू जा। क्या यार, आजकल गांव में एक्सीडेंट कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ यार, लेकिन अच्छा हुआ कोई मेरी गाड़ी के सामने आकर नहीं गिरा, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। क्यों, तू चाहता कि तेरी गाड़ी से कोई टकराए? ए अपना मुंह बंद करके चुप रहना यार, चला तू। समझता है क्या बे? किसकी मर्जी से तूने फोटो खींची? मेरे रास्ते में मत आ, कितनी बार तुझे समझा चुका हूँ। दोबारा मेरे सामने आया ना तो तुझसे ऐसे बात नहीं करूंगा, काट डालूंगा तुझे। ए, सामने देख के गाड़ी चलाओ। मेरी तरफ क्या देख रहे हो, सामने देखो। गाड़ी निकल बे। शरण्या, ए शरण्या, क्या हुआ, कौन चाहिए? कहाँ है वो, कहाँ है तुम्हारी बेटी? वो तो कॉलेज गई है। कॉलेज गई है या किसी के साथ घूमने गई है? क्या हुआ? आज फिर मरने का इरादा है। ए, कहाँ से आ रही है? कॉलेज से आ रही है। कॉलेज से? अरे अरे अरे, क्या कर रहा हूँ? क्यों आ रही है मेरी बेटी वहाँ? अरे भगवान, क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, छोड़ दो, ऐसा मत करो, मत करो ऐसा, मत करो, मत करो। वो मेरी बेटी को क्यों मार रहे हो? क्यों ऐसा कर रहे हो? छोड़ दो। अरे जब तुझे पता है कि वो तुझसे प्यार करता है तो किसी और के साथ बाइक में क्यों घूम रही थी? ये इंसान नहीं जानवर है, इससे कौन शादी करेगा? जब देखो खून खराबा करता रहता है, मैं इससे शादी करने वाली नहीं हूँ। उससे शादी नहीं करेगी? मैं भी देखता हूँ घर से बाहर कैसे जाती है। सुनो, आज से ये घर से बाहर नहीं जाएगी, इस रूम से भी बाहर नहीं जाएगी। मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ और ये बाहर किसी और के साथ गुलछरे उड़ाती है। ए, उसे जिंदा देखना है तो उसे दूर हो जा, नहीं तो बीच रास्ते में उसे काट डालूंगा, फिर देखूंगा तू किसके साथ घूमती है। कोई देख तो नहीं रहा है, ये कौन है यार? ओ, ये तो कुछ ज्यादा ही सच धज रहा है, मामला क्या है? इसके हाथ में क्या है?
कैसा अजीब आदमी है ये। भैया एक बात बताएंगे? बोलिए। मैं जान सकता हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं? लेटर देने के लिए। लेटर देने के लिए? किसको? कविता को। कविता को? हाँ। भैया इस उम्र में ऐसा करते हो अच्छा लगता है? इसमें क्या गलत है? इसके पहले मैं उसकी माँ को देखा था, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन आप ये सब क्यों करते हैं? यही मेरा काम है। क्या कहा? ये आपका काम है? हाँ सर, कुरियर देना ही मेरा काम है। ओह, कुरियर है। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे सर, कविता का बैंक स्टेटमेंट है, वही देने आया हूँ उसको। ये आप मुझे दे दीजिए, मैं कविता को दे दूंगा। ओ, आप भी कुरियर वाले हैं क्या? हाँ भैया। मैं स्पीड कुरियर से हूँ, और आप? मैं थोड़ा स्लो कुरियर से हूँ। ओ, ऐसा है क्या? ठीक है ठीक है। अरे बाप रे, आज तो बच ही गया मैं। देखना दरवाजे पे कौन है बेटा। हाँ। इतनी मेहनत से लेटर अंदर डाला है, उठाएगी क्या? ए, उस लड़की के घर से क्या करके आ रहा है? वो मैं लेटर देने गया था। पोस्टमैन हो गया क्या तू? ए, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर की दुनिया में तू लेटर पहुंचा रहा है लड़कियों के घर? लाइव चैटिंग नहीं आती है क्या तुझे? अरे पापा आप जाइए, मैं ये सब देख लूंगा, आप जाइए ना। ये सब छोड़, रिजल्ट देखे बिना जाऊंगा नहीं मैं यहाँ से। रिजल्ट देखे बिना नहीं जाएंगे? मैं कोई एग्जाम देके आ रहा हूँ क्या जो आप यहाँ इंतजार करेंगे? आप जाइए प्लीज। प्लीज पापा, आप मेहरबानी करके जाइए। बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ये तो जिद पकड़ कर खड़े हो गए हैं। हे भगवान, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। अबे ये क्या किया तूने? क्या रे, बुड्ढा होके शर्म नहीं आती? एक खूबसूरत लड़की को टमाटर फेंक के मारता है? हाँ ठीक से पूछिए इनसे, मेरी बात तो समझ में आती नहीं। अब मैंने नहीं फेंका था। क्या मैं में लगा रखा है? इससे पहले कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या? अरे ये तो मेरे बेटे ने। तुम्हारा पूरा परिवार ही ऐसा है क्या? मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ। तू मुझे टमाटर फेंक के मारता है, देख मैं तेरा टकला कैसे फोड़ती हूँ। अरे आंटी छोड़िए, जो हो गया हो गया, मैं जाकर उसे समझाता हूँ। ये लीजिए 500 रुपए, मामला जो है ना उसे रफा दफा करिए ना, कम पड़ेगा तो और दूंगा। क्या बोला तूने? कमीना ट्रक के सामने खड़ा करके चला गया। हाँ यार, वैसे तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? सब इसकी वजह से हुआ यार। तू बहुत जल्दी लेटर देकर आ गया, देखना वो जल्दी आएगी। चुप कर, तेरी बात आगे बढ़ी। अरे मैंने इजहार कर दिया है, अब जाने दो ना यार। ये सुनना, वो देख कितनी स्पीड में आ रही है। कहाँ? अरे हाँ हाँ, आज ओके करेगी क्या? वो तो बहुत गुस्से में आ रही है यार। भाई तूने लेटर तो दिया था ना? अरे कसम से बोल रहा हूँ, मैंने लेटर ही दिया था। तुमने दिया है? यही काम रह गया क्या? ए, क्या है रही है? ए, उधर देख अपने गांव की खूबसूरती। खूबसूरत नहीं, मिस यूनिवर्स आ रही है। लड़कियां खुद के बारे में ऐसा सोचती हैं यार। क्या यार, तू ऐसा बोल रहा है? और नहीं तो क्या यार, पूरे गांव का मेकअप करने के बारे खुद का मेकअप करके डराती हैं लोगों को। सच में ये बड़ी अजीब होती हैं। वैसे तुम्हें पता है इस खूबसूरत लड़की के पीछे एक लड़का पड़ा हुआ है? भाई ये अंदर ही है। चुपे, मेरी लवर पे नजर रखता है। भाई 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 भाई, क्या प्रॉब्लम है भाई, बात करके निपटा लेते हैं ना। ए हट भाई, बचपन से उससे प्यार कर रहा हूँ और अब तू बीच में आने की सोच रहा है? भाई मैंने बोला ना आपको, जो भी है बाहर जाके निपटाओ। ए,
नहीं तो किससे पंगा ले रहा है? ए, छोड़ रे। क्या है? पानी। बॉटल यहाँ पे रखो और जाओ। क्यों? अंदर कोई कस्टमर है? आयशा, खड़े रहने के लिए बोलो। ए तुम? मैंने सुन लिया। वैसे कभी मेरा मेकअप नहीं करोगी? एक ईंट लेकर अच्छी तरह से अपने चेहरे पर रगड़ना, चेहरा चमक उठेगा। क्या तुम मिट्टी रगड़ के नहाती हो क्या? अंदर जाओ। अच्छा, तुम्हारा फ्रेंड बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहा है। कौन? मोहन? क्या वो थोड़ा बिजी है? थप्पड़ मारूंगी, उसके बारे में मैं क्यों पूछूंगी? फिर? वही जो सामने की दुकान में रहता है ना, उसके बारे में। कौन? वो बुड्ढा? वो तो डेली आता है। हे भगवान, मैं उनके बेटे की बात कर रही हूँ। वैसे आप उसके बारे में क्यों पूछ रही है? कुछ नहीं, थैंक यू। चिड़िया उससे बोर हो गई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है यार। हम लोग उसे लाइन मारते हैं, ये सब उसे पता है। ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं उससे प्यार करता हूँ तो मैंने सोचा उसे बता रही है। पीछे देखने वो रिस्पांस नहीं देती। कुछ तो बता जा।
क्या बात है यार, आज हेवी आर्म्स कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार, ये अपनी बॉडी दिखाकर कविता को पटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक इसे कोई रिस्पांस नहीं मिला। सही कहा, उसको क्या दिखाकर पटाने की कोशिश कर रहा था पता नहीं, लेकिन वो लड़की किसी भी हालत में इससे पटने वाली नहीं है। तुम लोग मेरे बारे में बात नहीं करोगे तो नींद नहीं आएगी क्या? अच्छा तू इतना बोल रहा तो तू ही पटाकर दिखा ना उसे। क्या यार, वो खुद बोल कर गई कि उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे क्या हुआ, क्या हुआ इसे? अरे क्या हुआ? अरे बेहोश हो गया। ए ए ए ए अरे कोई पानी लाओ। हां ला रहा हूं। उठना। ए ए उठना। क्या हुआ? ए उठ जा। अरे अरे भाई से क्या हुआ? अरे हॉस्पिटल से चलो। हां ए जल्दी करो, जल्दी करो, ले चलो। पहले इनके साथ कभी ऐसा हादसा हुआ था क्या? हमारी जानकारी में ऐसा कभी नहीं हुआ डॉक्टर। उसे क्या हुआ डॉक्टर? वेट उठाते समय उनके गर्दन की नस डैमेज हो गई, इसलिए नस डैमेज होने की वजह से उनके हाथ और पैर में वीकनेस आने की बहुत ज्यादा संभावना है। क्या आप उसे ठीक नहीं कर सकते डॉक्टर? ऑपरेशन के जरिए ठीक हो सकते हैं। कितना खर्च होगा डॉक्टर? 6-8 लाख तक का खर्चा आएगा। पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? किसने पैसे चाहिए? वो मेरा दोस्त जिम में बेहोश होकर गिर गया, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। ऑपरेशन के लिए 6 लाख रुपए चाहिए पापा। हमारे पास इतने पैसे कहाँ है भाई? दुकान का डॉक्यूमेंट्स कहाँ है? घर पर है। गल्ले में कितना है दीजिए। एक दो। अरे गिन क्या रहे हैं, दीजिए ना। माफ करना दादी। Thank you.
बहुत ही खुश नसीब हो तुम बेटे। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? जब तुम हॉस्पिटल में एडमिट थे तो सारा खर्चा इन लोगों ने उठाया। खुद का बच्चा बीमार हो तो भी माँ बाप खर्च करने के लिए सोचते हैं। ऐसे में इन लोगों ने अपना होटल, बाइक सब कुछ गिरवी रखकर तुम्हारा ऑपरेशन करवाया। कहा जाता है कि मुसीबत में साथ देने वाले ही सच्चे दोस्त होते हैं, और आज मैंने ऐसे दोस्त देख लिए। मैं रहूँ न रहूँ वो लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे, उसका यकीन मुझे हो गया है। क्या यार, तू कितना हैंडसम लग रहा है। ट्राई करता हूँ। ये यहाँ क्या कर रहा है? आयशा, I love you। मुझे ये सब पसंद नहीं है। प्लीज आयशा, समझो ना। प्लीज, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुनो, मुझे तुम्हें लेकर ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। चिल्लाओ मत, सब लोग देख रहे हैं। सुनो, तुम दुकान जा रही हो ना, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। आओ चलो, छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स। बस में बहुत भीड़ होगी, बैठ जाओ ना। मैं तुम्हें दुकान पर छोड़ दूंगा। अगर तुम नहीं बैठोगी तो मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। मैं सही कह रहा हूँ, 10 तक गिनूंगा बस। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुछ मत बोलो, बस आराम से बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या बात है, तुम इतना शांति बैठी हो, कुछ बोलो ना। आप बोलिए ना। आज तुम्हारी आवाज कुछ अलग लग रही है, गला खराब है क्या? हाँ, सही पकड़े हैं। इसीलिए कहता हूँ इधर उधर का पानी नहीं पीना चाहिए, इसलिए मेरी कंपनी का पानी पिया करो। तुम दूसरा पानी पीती हो ना, इसीलिए तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम होती है। आज के बाद मैं तुम्हारे घर पे भी पानी डाल दूंगा। जी थोड़ा संभल के चलिए ना। अच्छा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? क्या कहा? मतलब धंधा कैसा चल रहा है? ठीक ठाक ही चल रहा है। हाँ, कॉम्पिटिशन का दौर है ना, अगर तुम कहो तो मैं कस्टमर अरेंज कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। क्यों, आप नहीं आए? क्या, मुझे आने के लिए कहा? हाँ, मैं करूँगी। ठीक है, मैं एक दिन जरूर आऊंगा। हाँ, तुम बात बहुत अच्छी करती हो, लेकिन मेरा प्रपोज एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? मुझे लव पसंद नहीं है जी। अरे तुम कौन हो? ए आयशा, अरे क्या कर रही हो? उतरो। ऐसी क्यों बोल रहा है, पागल हो गया क्या? तुम मेरे बाइक पर कैसे बैठी? ए, तू ही तो मेरी बाइक पे बैठ जा करके जान खाए जा रहा था, और जब मैं बैठ गई तो फालतू में मेरे ऊपर भड़क रहा है। लगा मेरी वाली बैठी है। एक काम करिए, आप जाइए। चल भाग, बेवकूफ कहीं का, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ए सुनो, खाने में क्या है आज का? तो आपका दिन ही खराब हो गया। अरे यार, ये क्या हो रहा है? अब देख क्या बोलता है। क्या यार, जब तू उसे बाइक पे बिठा के ले जा रहा था तो एक बार भी पलट के नहीं देखा क्या? इसलिए तू उसका फेस नहीं देख पाया, लेकिन उसकी आवाज तो समझ में आ रही होगी ना, है ना? मुझे लगता है ये जानबूझकर ले गया होगा भाई, उसको। ये जानबूझकर ले गया होगा और यहाँ आकर कहानी सुना रहा है मैं। कम से कम वो मेरे साथ आई, तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं आता। चल भाग यहाँ से। ये करके तो तूने तीर मार लिया ना। फालतू बात करता है। आजा भाई, बैठ। तेरी तबीयत खराब है, तुझे रेस्ट करना चाहिए था ना। अगर तुझे कुछ चाहिए था तो हम लोगों को फोन कर लेता। अरे यार, घर में बोर हो रहा था, इसलिए सोचा मैं तुम लोगों के पास ही चला आऊं, इसलिए मैं आ गया। हम लोग और कहां जाएंगे? माँ ने सब कुछ बताया। देख, सबसे पहले ठीक हो जा, फिर हम लोगों के साथ आराम से घूमना, ये ज्यादा जरूरी है। हमने तो बस अपना फर्ज पूरा किया। क्या यार, हम तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और मुझसे जो हो पाया, ये ले। क्या यार? ये ना, ये ले। हे, ये सब क्या है यार? ये सब छुड़ाने के पैसे कहां से आए तेरे पास? जिम को मैंने बेच दिया। क्या बोल रहा है यार, तू पागल हो गया क्या? पागल हो गया? तेरे पास सिर्फ जिम था और तू बोल रहा है तूने उसे भी बेच दिया? ठीक है, अब तो तुमने जिम बेच दिया है, लेकिन आगे क्या करेगा? जिम का मैं क्या करूंगा? वर्कआउट तो मैं कर नहीं पाऊंगा, और मुझे कोई तकलीफ हुई तो तुम लोग हो ना।
क्या भाई आज तो मजा ही आ गया। बहुत पसंद है रोमांटिक। हाँ तो सही कह रहा है। मैं हमेशा उसकी मूवी देखता हूँ। क्या कभी नहीं छोड़ रहा है। बिल्कुल कमाल का था भाई। बहुत कमाल की। ये क्या है? वो कौन है? राहुल है ना? अरे उठना। अरे क्या हुआ तुझे? उठना। अरे उठ। अरे उठो। क्या हो गया इसे? हेलो उठो। अरे गाड़ी आ रही है। रुको 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 रुको। जल्दी करो जल्दी। उठा उठा ठीक से ठीक से। चलो उठा उठा। गेट खोल गेट खोल गेट खोल गेट खोल गेट खोल। आराम से जल्दी करो जल्दी। अरे इसे मत पकड़ना। हाँ चल 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 चलो चलो जल्दी चलो। हे वो इधर है आओ। अरे ये सब क्या हुआ तुझे? हे पवन इन लोगों को बाहर जाने के लिए बोल। ये तुम कैसी बातें करो यार। इन लोगों की आवाज सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इन लोगों को बाहर जाने का बोल। ए चुप करके यहां से निकलो। चलो निकलो। ए ए दोस्ती में धोखा देते हैं ये सुना था। अभी मैं देख भी रहा हूँ। पहले तुम लोगों ने मेरी शादी तोड़वा दी, उसके बाद मेरा धंधा भी खराब किया और अब मुझे खत्म करना चाहते हो। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। सबको देख लूंगा। तुम लोगों ने भीड़ क्यों लगा रखी है? पेशेंट को डिस्टर्ब होता है। जाओ यहाँ से। हे इससे बात करके कोई फायदा नहीं। इससे कितना भी बोलो नहीं समझेगा। चलो चलते हैं। कुछ बोलने का फायदा नहीं है इसको। चल चलते हैं। चलो ए कहाँ से आ रहे हो तुम? बताया था ना वो राहुल का एक्सीडेंट हो गया, उसी से मिलने गए थे। कैसा अभी वो? तबीयत ठीक है? ठीक तो है वो, लेकिन उसका जो हमारे ऊपर गुस्सा है वो उतरा ही नहीं है। तुम लोगों ने किया ही ऐसा? अच्छा ये बताओ तुम शादी कब कर रहे हो? उस लड़की को सब बताया कि नहीं? पापा जल्दी उस लड़की को बोल दे ताकि तुम दोनों की शादी करवा सकूं। और इंतजार नहीं हो पाएगा मुझसे। तू क्या करेगा कैसे करेगा ये मैं नहीं जानता। तेरे पास 2 दिन का टाइम है। उस लड़की को सब कुछ बता के उसे पटा ले पहले। अगर ये नहीं कर पाया ना तो मास्टर जी की लड़की से शादी फिक्स है। चुप रहिए पापा। उस भैंस से कौन शादी करेगा? ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी मुझे। और प्लीज आप मेरे लिए लड़की मत देखिए। जैसे भी होगा मैं उसका हाथ पैर पकड़ के शादी के लिए मना लूंगा। देख तेरे कहने पे ही मैं अब तक रुका हुआ हूँ। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना बेटा तो मैं खुद अपनी शादी कर दूंगा किसी से। अब उम्र के इस पड़ाव में पहुँच कर आप ये सब करेंगे? शादी नहीं कर सकता क्या मैं? यह ट्यूबलाइट नहीं जलती है और आप इलेक्ट्रिक शॉक की बात कर रहे हैं। कुछ भी बोलते हैं आप। ए ये आवाज कहाँ से आ रही है? अबे बल्ब फूट गया क्या? फूट गया। आज दुकान में बहुत सारा काम है, जल्दी खत्म करना है। सुन देख तेरा आशिक। सुनिए जरा रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऐशा तुमसे कुछ बात करना चाहता है, जाओ करके आओ। नहीं मुझे आपसे बात करनी है। कविता अभी तेरे लवर में हिम्मत आई है, जाकर बात कर, मैं चलती हूँ। ए नहीं मैं आती हूँ। ए रुक जा ऐशा। जरा जल्दी बोलिए मुझे जाना है। भी अगर शर्माते रहे तो तेरा कुछ नहीं होगा बेटे। ए, ये क्या कर रहे हो तुम? I love you कविता। क्या बोल रहे हो तुम? कोई देखेगा तो गलत समझेगा। पहले उठो। मैं तो बहुत पहले बोलना चाहता था, हिम्मत नहीं हुई कभी, लेकिन आज कुछ भी हो जाए मुझे परवाह नहीं है। प्लीज कविता समझने की कोशिश करो। देखो पहले उठ जाओ। इतना बोलने में तुम्हें इतने साल लग गए क्या? तुम कब सामने से आकर बोलोगे? मैं हर दिन यही सुनने के लिए वेट करती थी। आज ही मत आई है क्या तुम्हें? भागो मत, रुको। हाय बोले दिल ये तेरे ही संग में रहे, मन ये बोले तेरे ही साथ चले। हाँ बोल देना तू, तू भी मेरी ही है। हाँ तेरी ये सारी ही यादाएं मेरे लिए ही है। अरे आजा तू भी पास मेरे, मिलकर कह दे बोले दिल ये
बोले दिल ये हट जाना तू, हम कुछ ना बोले, कुछ भी ना यूं आप सपने देखे, ऐसे ना आप हम पर जादू करे, हम ना आएंगे पास हाथ भले, हमसे यूं ना आप ऐसे मस्ती करिए, बोले दिल ये तेरे ही संग में रहे, मन ये बोले तेरे ही साथ चले। बात है, फोकट में शराब मिल गई इसीलिए? नहीं यार, हमारे गौतम का लव सक्सेस हो गया। सचमुच उसने ओके बोल दिया क्या? अरे जाओ यार, वो भी इतने दिनों से मुझे प्यार ही कर रही थी, मुझे कुछ पता नहीं था इसीलिए मैं उसके पीछे पीछे चक्कर लगा रहा था। अबे उस दिन जब लव लेटर दिया था उस दिन तो भड़क के गई थी, अब क्या हो गया उसको, पसंद आ गया क्या? अरे उसको लव लेटर पसंद नहीं है, वो वेट कर रही थी कि मैं सामने से जाकर बोलूं और मैं बोल ही नहीं पा रहा था। ये मैटर है क्या, इसलिए तू सामने से बोलते ही मैडम ने हाँ कर दिया क्या? हाँ यार। सुपर यार। ये बात जाकर सबसे पहले पापा को बतानी है, जैसे ही वो सुनेंगे खुशी से पागल हो जाएंगे। ठीक है अब मैं चलता हूँ। संभाल के जाना यार। ओके ओके ठीक है ठीक है, संभल कर। क्या हुआ रे? चलना यार। हे, हुआ क्या है? वहाँ अंकल। पापा को? चल, चल यार। पापा, पापा, हटो, पापा, पापा, क्या हुआ? पापा, पापा उठिए ना। पापा उठिए ना।
अरे भाई ये कैसे हुआ? मुझे भी पता नहीं। भाई मैं तो यहाँ था ही नहीं, जब देखा तो इलाज पड़ी हुई थी। गौतम, गौतम, उठ जाओ। देखो पापा, आपकी बहू आई, अब इसे आशीर्वाद कौन देगा? शांत हो जाओ। मुझे लगता है इस हालत में कविता ही उसको संभाल सके। तुमने उससे बात की? तुम लोग उसका थोड़ा ध्यान रखना। ए तू बोल ना यार। यार जो कुछ भी हुआ उसको सोचकर तू ज्यादा दुखी मत हो यार। हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो तू हमें संभालता है। यार अगर तू ही ऐसे टूट के बैठ गया तो यार बस एक बार मुझे वो एक्सीडेंट करने वाला मिल जाए, फिर मैं दिखाऊंगा उसको। वो कोई एक्सीडेंट नहीं था भाई। ये क्या बोल रहे तू? जिस दिन से मैंने होश संभाला है तब से वो जाते हैं और कब लौट के आते हैं ये मुझे अच्छी तरह से पता है। यार वो वहां क्यों गए थे यही मुझे पता करना है, और वहां पे हुआ क्या था आखिर, ये सब मैं जान के रहूंगा। ठीक है, तुम्हें किसी पर शक है क्या? पापा ने कभी किसी से दुश्मनी नहीं की। यार अंकल ने एक दिन बताया था, तुम्हें याद नहीं क्या? ए, ये तुम कैसी बात कर रहे हो यार? तुम लोगों को पता नहीं उस दिन वो हॉस्पिटल में कैसे बात कर रहा था? तुम लोगों को याद नहीं क्या? पर मुझे याद है। ए, वो हम लोगों के बिजनेस के बीच में आया है। मैं ये नहीं कहता कि ये उसने किया है, लेकिन वो कुछ भी कर सकता है। कुछ इस पे डाउट है। ए, 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 क्या कर रहा है ये? मुझे क्यों मार रहा है? मैंने कुछ भी नहीं किया। तूने मेरे पापा को क्यों मारा? ए, मैंने तेरे बाप को नहीं मारा। ए, रुक। ए, गौतम क्या कर रहा है? ए, गौतम, तू अच्छा नहीं कर रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे छोड़, जाने दे, जाने दे, नहीं छोड़ मैं। गौतम रुक ना यार। कहाँ जा रहा है? गौतम, मैंने तेरे बाप को नहीं मारा, मेरा यकीन कर। चल। अरे अरे रोको 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 रोको, गाड़ी रोको, लाइसेंस लाइसेंस भी काम से जाना है। मैं कुछ नहीं, आगे 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 जी। क्या है ये सर? रोको रोको रोको, गाड़ी रोको। कहाँ से आ रहा है? अभी ऑफिस से आया हूँ। लाइसेंस, चलो चलो आगे चलो, बड़ा चलो चलो, बड़ा बड़ा इस रास्ते से नहीं, चलो चलो वापस जाओ, जाओ जाओ जाओ, चलो जल्दी जाओ, चलो चलो। भाई गाड़ी 0 पॉइंट से सेफली निकल गई है। ठीक है निकल। ओके भाई। बाप रे पहुंच गया, घंटी बजाता हूँ। कौन है? आयशा। क्या है? सुनिए ना, जरा आयशा को बुलाइए ना। क्या? आयशा को, आयशा को। ए पागल, मैं ही आयशा हूँ। क्या मुझसे मजाक कर रही हो? आयशा को बुलाओ ना। कहा ना, मैं ही आयशा हूँ। क्या कहा?
तुम ही आयशा हो? हाँ? कितनी गंदी शक्ल है तुम्हारी, मेकअप करके मुझे धोखा दे रही थी। इधर आ। क्या बोलो? इधर आओ। कितने दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम ऐसी तो कभी नहीं दिखी। ए, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। ए, ये सब जाने दे। एक दिन मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया था तो तुमने मुझे क्या कहा? तुम्हारे लिए मुझे फीलिंग ही नहीं आती है। अरे बेवकूफ कहीं की, आज मैं कह रहा हूँ तुझे देखकर मुझे फीलिंग नहीं आ रही है। अगर दोबारा मेरे सामने आई ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। आज इसको क्या हो गया जो इतना गुस्सा कर रहा है? नाम रखा है इसने अपना आयशा। शक्ल देखिए अपनी, मेरी किस्मत ही खराब है। इतने दिनों से इसके पीछे पड़ा था, पागल गई। कहां फंस गया मैं इसके चक्कर में? वेस्ट ऑफ टाइम। मैं ही पागल था। वाह, खराब हो गया। आज के बाद तुम्हें नहीं मिलेगा क्या? मुझे माफ कर दो भाई, भाई मुझे माफ कर दो। भाई गलती हो गई, धोखा देता है, धोखा देता है मुझे। तो भाई छोड़ दो मुझे, जान से मार दूंगा तुझे। भाई भाई मैं जानता नहीं है क्या? हां, और दोबारा दिखेगा इस एरिया में? ये क्या है यार, ये जब देखो तब किसी ना किसी को मारते रहते हैं। ये भी कोई इंसान है यार? हमने गुरु को जिम में मारा था ना, कहीं इसीलिए उसने पापा को तो नहीं मार दिया? नहीं यार, जहाँ तक मेरी जानकारी है ये जिससे भी पंगा लेता है उस पर सामने से वार करता है। चल चलते हैं। क्या भाई, क्या सोच रहे हो? उसने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया, बिना बात को जाने ऐसा किया। क्या बात कर रहे हो भाई? हाँ यार, उसको लगता है उसके बाप को मैंने मारा है, समझता ही नहीं है। और तुम उन लोगों को बेस्ट फ्रेंड बोल रहे थे और उन लोगों ने तुम्हें ही धोखा दे दिया। उसका बाप मर गया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? भाई मैटर क्या है पता है? आपका हमारे साथ रहना उन्हें बिल्कुल पसंद है, इसीलिए उन लोगों ने तुझे मारा है। थोड़ी देरी बाद मैं भी वहां पहुंचा तो क्या कर लिया? मैंने कसम खाई उन्हें मार दी। बढ़ाया तू। ए चुप रह, उस दिन जो पड़ी थी भूल गया क्या? बार बार वो लोग मेरे रास्ते में आ रहे हैं। भाई उन लोगों को एक बार सबक सिखाएंगे तभी उन्हें समझ में आएगा, आज नहीं तो कल वो हमारे सामने आएंगे, हम उन्हें खत्म कर देंगे। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तू क्या सोच रहा है? नहीं यार, पापा की याद आ रही है, अपने घर से ज्यादा तो वो यहीं पर रहते थे। इस समय तुम्हें कौन फोन कर रहा है? हाँ, किसी लड़की का फोन है क्या? भाई सतीश फोन कर रहा है। हेलो मास्टर, आप कहाँ पर हो? यही गौतम के होटल में हूँ। क्या बात है? अरे क्या चाहिए उसे? कहाँ पर है पूछकर फोन कट कर दिया। कौन आया होगा? सतीश होगा शायद। अरे तू यहाँ, और ये कौन है? नहीं भाई वो ऐसा है कि अरे पहले उसको अंदर आने के लिए बोल। आनंद भाई। अभी तू क्या करना चाहता है बोल। लड़की की तरफ से कोई आया है क्या? हाँ वो लोग आ रहे हैं पंडित जी। किसकी बात कर रहा है तू? गुरु है और कौन है? वही हमारा पीछा करते हुए आएगा। अरे तो देखिए पंडित जी, लड़का और लड़की दोनों की तरफ से हमी लोग हैं। कोई बात नहीं, करा देता हूँ विवाह। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्कृते। पुरानी लग रही है। अरे मैं साड़ी के बारे में नहीं लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ। लड़की के बारे में? ए उसी लड़की के बारे में बोल रहा हूँ। जरूर सेट होगी यार, इसे समझाना। चुप बैठ। मैंने भी हरा पहना है और उसने भी हरा पहना है, फिर तो सेट होगी ही। दूंगा एक। ए, अबे मंदिर में इस तरह की बात नहीं की जाती है। ठीक है भाई। इधर। ए दूल्हे राजा, अब सब हो गया ना? हाँ ठीक है भाई, चलो अब। ए चलना यार।
सब क्या है? हमारे गांव के लड़कों पर तू हाथ उठा रहा है? कौन है तू? जबर को उठा के ले जा रहा है, जाके उन्हें बोलो। ए, तूने अपनी मर्जी से शादी की है ना? जी हाँ। जब वो अपनी मर्जी से शादी कर रही है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? तू क्यों जबरदस्ती कर रहा है? तू अपनी गुंडागर्दी इस गाँव के बाहर दिखाना। इस गाँव में दोबारा दिखाई दिया ना तो सोच लेना। निकलो यहाँ से, निकलो। जाने के लिए बोला ना? भाई हम हर कोशिश कर चुके हैं, कोई क्लू ही नहीं मिल रहा है। हाँ यार, मुझे भी यही लगता है कि हम लोग बस गोल गोल घूम रहे हैं। भाई वो देख, ये वही है ना उस दिन जिसको गुरु ने मारा था? भाई यही था। हाँ भाई, भाई इसी से पूछताछ करते हैं, शायद क्लू मिल जाए। पूछ कर देखता हूँ मैं। भाई भाई, दो दिन पहले गुरु के साथ तुम्हारा कोई लफड़ा हुआ था क्या? वो तो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, पर बात क्या है? क्या भाई छोटी सी प्रॉब्लम बोल रहे हो, कितना मारा था उसने तुम्हें? उसके एरिया से मैंने थोड़ा सा रेत उठाया तो किसी ने उसे जाकर बता दिया, इसीलिए उसने मुझे मारा। लेकिन तुमने उसके एरिया में रेत क्यों उठाई? मैं उसके एरिया से क्यों उठाऊंगा, मैं तो वीरापुरम से हूँ। वीरापुरम, ये बात तो ठीक है, लेकिन हमारे गाँव से रेती उठाने में गुरु को क्या दिक्कत है? आखिर ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ भाई। हाँ आता हूँ। भाई गांव में पूछताछ करते हैं। तू ठीक कह रहा है। Thank you.
भाई वो लड़के आपके बारे में गांव में पूछताछ कर रहे हैं। वो लोग मेरे बारे में क्यों पूछताछ कर रहे थे? पता नहीं भाई। ठीक है तू जा, मैं देखता हूँ। ठीक है भाई, मैं आता हूँ। यार किसी से भी पूछने पर कोई क्लू मिल ही नहीं रहा है, अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ना यार, तू टेंशन मत ले, एक ना एक दिन हमारे हाथ लगेगा ही। हाँ बोलिए। सब कुछ रेडी है ना? हाँ भाई सब कुछ रेडी है। तो फिर खत्म करें क्या? कब करना है आप बताओ, खत्म कर देंगे। मिस तो नहीं होगा, पक्का हो जाएगा ना? मिस होने का सवाल ही नहीं उठता, पक्का काम हो जाएगा। आज सुबह होने से पहले सबको खत्म करना है। आप फिक्र मत कीजिए, सुबह होने से पहले सब खत्म हो जाएंगे। नशा हो जाता है तुझे, चल। तू होश में है ना? थोड़ा सा मुझे पीने देना, थोड़ा सा ला के देना पीना। ऑलरेडी बहुत पी चुका है यार, चल चुपचाप आके बैठ जा। समझाना भाई, थोड़ा सा पीना है। अरे बोल रहे हैं तो बात सुनना यार। नहीं सुनना मुझे यार, चलना। मुझे बस पीना है। हाँ, क्या चाहिए तुझे? दारू ही चाहिए ना? हाँ। पहले जाके गाड़ी में बैठ, फिर मिलेगी। हाँ, चल आजा आराम से भाई। हाँ क्या हुआ? तू बहुत अच्छा है। हो गया तेरा नाटक। अरे लेके आता हूँ यार, भेजा इसको। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी लेकर आ। बैठ। ये फ्लाइंग किस दे रहा है, शक्ल देखो इसको। भाई बोलो तो मैं गाड़ी चलाऊं क्या? ए, तू अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठना है, चुप बैठ। ए, मेरी बात नहीं मानी ना, जल्दी कर दूंगा गाड़ी में, फिर पूरी कार में बदबू फैल जाएगी, समझा? बाकी तेरी मर्जी, समझ ले। ए, अपना मुंह बंद करना यार। पिछले हफ्ते मैंने कार में उल्टी की थी, इस हफ्ते भी कार में उल्टी करूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे उल्टी हो जाएगी। अभी कोई शराब लेकर आओ ना, मुझे पीना है। हेलो सर। कौन है यार? बोलिए सर। क्या सर, इस समय आप ऐसा बोल रहे हो? किससे बात कर रहा है? ठीक है सर, मैं आता हूँ। चुप रह। अरे ए, बता ना। क्या हुआ रे? यार कस्टमर का कॉल था। भाई तूने बहुत शराब पी हुई है, तू किसी और को भेज क्यों नहीं देता? नहीं रे, रेगुलर कस्टमर है यार, बहुत लॉन्ग है, जाना तो पड़ेगा ही। नहीं यार मेरी बात मान, तू बहुत नशे में है, तू बोल तो मैं जाके आता हूँ। तू जाएगा क्या? हाँ ठीक है, तू संभल कर जाना। ठीक है इधर आ। फोन कहाँ रखा है मैंने? जलना यार जल। ए, वापस आकर फोन कर लेना। अरे मेरी बात तो सुन। ए, लेके जा। अरे हाँ ठीक है, मेरी बात तो सुन। चल आराम से चल। इसको संभाल के लेके जा। अरे छोड़ना मुझे, मैं चल लूंगा। संभाल, इसको संभाल के रखना। चल चल मेरे साथ आ जा, यहाँ बैठ। ए, तुम लोगों ने गाड़ी को यहाँ क्यों खड़ा किया? गाड़ी निकाल, चलो चलते हम लोग घर। यहाँ गाड़ी क्यों खड़ी की? भाई इसको गाड़ी के सामने से हटाना। अरे तू चलना यार, सीधे चलना, तू तू संभल कर जाना। तू सीधा खड़े रहना, कस्टमर को फोन कर देना। ठीक है
संभल कर। अरे तुम लोग अभी तक इधर ही बैठे हो? नहीं यार, एक कस्टमर का पिकअप है, मैंने शराब पी है इसलिए वो संभाल कर उठा। ए बैठ जा आराम से, संभल कर बैठ। दे संभाल के बैठना, गिर मत जाना। इसको देख, ठीक से बैठ गया ना, अब चलूं? ए पुलिस है यार, ए तू सीधा बैठना। ए रोको रोको रोको, गाड़ी रोको, चलो साइड करो, इधर इधर। हेलो सर, कैसे हैं? चलो पेपर दिखाओ साहब को, निकालो निकालो जल्दी निकालो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, चलो इधर इधर लाइन में लाइन में। हाँ चलो साहब के पास आओ, चलो इधर। फंस गए यार। सर इनके पास से शराब की बोतल मिली है। कहाँ से हो तुम लोग? सर हम लोग वीरापुरम से हैं। मतलब संजय सर वीर, हम लोग बहुत बहादुर हैं। बहादुर दिखाओ तुम लोगों को। सुपर पंच सर। चुप करना यार। अबे चुप कर यार, मुंह बंद कर वरना पंचर हो जाएगा। इसको एकदम मस्त पंच बोलते हैं सर, एकदम मस्त पंच सर। सर दरअसल ये नींद में बड़बड़ा रहा है, आप टेंशन मत लीजिए। ए तो चुप करना सर, से मैं खुद ही बात कर लेता हूँ। सर आप पंच पे पंच मारे जा रहे हैं, वैसे आपका नाम क्या है? अरे रे। पंच अरुणाचलम, ये तो नाम में ही पंच है सर। क्या रे, शराब पिया क्या? पिया है का क्या मतलब, हम सबने पिया है। इसने तो फंसा ही दिया यार। इन सबको जीप में बैठा थाने लेकर के चलो, वहीं दिखाएंगे इनको पंच क्या होता है। चलो सर, कदीर इसे पकड़, गाड़ी लेकर आओ, चलो 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 गाड़ी में बैठो, चलो बैठो। अरे इधर आओ इधर आओ, गाड़ी में बैठो पहले। हम सर बैठो बैठो, चल अंदर चलो अंदर चलो। हां चलिए सर। सर पंच सर बहुत बढ़िया पंच मारते हैं, ऐसे जलाइए ना सर, बहुत गर्मी लग रही है सर। सर ऐसे खींचो मत ना सर, चलो अंदर चलो, मत चलो, चलो। सर सर प्लीज धक्का मत दीजिए। चलो चलो अंदर चलो, पहले चलो इधर खड़े हो जाओ। ए ज्यादा बात नहीं, चलो चलो खड़े हो जाओ। गोपी इनको वहां खड़ा करो, खड़ा करो वहां खड़ा करो। क्यों रे गाड़ी किसकी थी सर? ये यार मजाक सूझ रहा है, एक से पूछ रहा हूँ दूसरा उंगली दिखा रहा है, यही करेगा? इसका होटल है सर। ए, तेरे से पूछा क्या? सर इज्जत से बात कीजिए ना। एक तो शराब पी के गाड़ी चलाओगे, ऊपर से इज्जत भी चाहिए। सर रिस्पेक्ट से बात करिए, बोला ना रिस्पेक्ट से बात कीजिए। शराब पीने पर जेल में नहीं बंद करते, पता है आपको? हाँ पता है, शराब पी के गाड़ी चलाओगे, गाड़ी का पेपर भी नहीं रखोगे और थाने में आकर के ऊपर से हमें ही कानून सिखाओगे। ए, तेरा नाम क्या है? मोहन। मेरा नाम मोहन है। क्या? मोहन कुमार। आपने हमें पकड़ लिया ना, इसके बारे में एक पॉइंट बताओ क्या? शे, मुंह बंद कर। तेरा नाम क्या है? गौतम। हैं? गौतम सर। काम क्या करता है? होटल चलाता हूँ। हैं? होटल चलाता हूँ। होटल का नाम क्या है? भारती होटल। ओह तो तेरा होटल है वो। तेरे ऊपर कंप्लेन आई है, सबका राशन उठा करके तू अपने होटल में उसे इस्तेमाल करता है बे। अरे वो किसी और के बारे में बोला होगा सर। नाम क्या बताया था? बताया ना सर, गौतम। गौतम तू ही है ना? फिर तू वो नहीं है कैसे बोल सकता? लेकिन है? सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कंप्लेन आई है तेरी। सर किसी ने झूठ बोला होगा आपसे। कांस्टेबल सर मैं सच कह रहा हूँ। चलो अंदर करो, सर ने बोला अंदर जाने, चलो अंदर करो, चलो अंदर चलो। सर ज्यादा बात नहीं, ज्यादा बात नहीं, चलो अंदर। इधर इधर चलो। तुम क्या कर रहे हो? इनको भी अंदर करो। सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर इन दोनों को भी डालू अंदर? अंदर करो। ए, चलो चलो अंदर चलो चल। सर सर बोलिए सर, सुबह होने से पहले डाल दूंगा सर। सर अभी मैं लोडिंग के लिए जा रहा हूँ, सुबह होने से पहले डाल दूंगा। कितना कैन मंगवाया है? 150 कैन क्या? ठीक है डाल दूंगा।
भाई उसकी गाड़ी आ रही है, उड़ा दूं क्या? अगर रास्ते में है तो उड़ा दो, उड़ा दो। ठीक है भाई। इंस्पेक्टर आ गए क्या? हाँ सर, अभी अभी आए हैं। ठीक है चलो। अरे नेताजी आप इस तरफ आइए, बैठिए बैठिए। मैं बस आपसे मिलने के लिए आया हूँ। हमारे कुछ लड़कों को अंदर किया है आपने, उसी सिलसिले में आपसे मिलने आया हूँ। नेताजी आप तो बस सबकी मदद करने के लिए आ जाते हैं यहाँ। हमारे लड़के हैं, मदद तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा, इनमें से आपके गाँव का कौन है? वो वहाँ उधर खड़े ना, वही तीन लोग हैं। ये सब तो रात को बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, और उनमें से वो लड़का है ना जो होटल चलाता है, उसकी भी बहुत बड़ी कंप्लेंट आई थी यहाँ। इनको भला मैं कैसे छोड़ दूँ? नेताजी वो झूठ बोल रहे हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें बेवजह पकड़ के ले आए हैं ये। अरे वो लड़का नहीं है, राशन का सामान लेने वाला ये लड़का है। इन लोगों ने आपसे रंजिश में ये सब किया है, ठीक है इन्हें छोड़ दीजिए। नेताजी थाने में आकर के आप लोग आधा केस तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं। ठीक है आप कह रहे हैं तो इनको छोड़ देता हूँ मैं। कुमार सर इनको बाहर निकालो, साइन लेकर के छोड़ दो। ओके सर। क्या बात है नेताजी, गांव में कोई लफड़ा होता है तो आप निपटाने आ जाते हैं, अगर सारे मैटर आप ऐसे ही सॉल्व कर ले तो। देखिए आप जरा इंतजार कीजिए, आपने जो बोला है वो छोटा काम है क्या? शांति रखिए, मैं पक्का आपका काम कर दूंगा। भाई मुझे माफ कर। अरे छोड़ना वो सब बात, जो हुआ सो हुआ। अरे यार तू क्यों रो रहा है? क्या हुआ है? ऐसा नहीं है यार। उसे क्या हुआ? ए, रुक रे, भागता किधर है? रुक, कौन है? ए, ए आनंद, ए क्या हुआ? ए, ए आनंद, ए आनंद तुझे क्या हुआ? ए, ए आनंद, 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 ऐसे क्यों बैठे हो? जाओ कोई शराब लेकर आओ। ए, जब देखो शराब शराब करता रहता है। तुम लोग नहीं पियोगे चलेगा, लेकिन मुझे पीना है। जाओ मेरे लिए एक पैग लेकर आओ। ए, चुप कर। हर वक्त शराब शराब करते रहता है। इसने अपने बाप को खो दिया है। साथ में रहने वाला दोस्त भी मर गया इसका। तुझे जरा भी दुख नहीं है? हर वक्त तुझे दारू की ही पड़ी रहती है। हम लोगों के साथ कुछ भी हो जाए तुझे कोई मतलब नहीं है। छी। ए, छोड़ यार। पहले इसे समझा। नहीं यार, मैं उसे नहीं भूल पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे शराब पीना है तब शायद भूल जाऊं। ए, रो मत यार। ए, चुप हो जा भाई।
मुझे कुछ याद आ रहा है, हमारे गांव में कुछ तो गलत हो रहा है यार। जिस लॉरी ने मुझे टक्कर मारा था उसी लॉरी ने आनंद को टक्कर मारा है। जब पापा की मौत हुई तब भी सुबह का टाइम था। ये सब जानने के बजाय मैंने तुम लोगों पर शक किया। शिट यार, कहीं ये सब करने वाला गुरु तो नहीं है, क्योंकि एक दिन वो रोड पे विलेज ऑफिसर को मार रहा था। हाँ सही कहा, तुमने बोला था कि तुम्हें उस पर डाउट है। जिसे उसने मारा वो कहाँ मिलेगा? वो कांजीपुरम में रहता है। सर, आप कौन हैं? हम लोग बीरापुरम से आए हैं, आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, अंदर आ जाओ। मैं जो कह रहा हूँ समझने की कोशिश करो। जो कुछ भी हुआ उसको भूलकर अपने अपने काम पर ध्यान दो। उन लोगों से लड़कर तुम लोग जीत नहीं पाओगे। गुरु के पास गुंडे हैं, राजनीतिक सपोर्ट है, पैसा है, ताकत है, सब कुछ है उनके पास। मैं पद पर रहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तुम लोग उसका कुछ नहीं कर पाओगे, वो तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देगा। सब लोग इस तरह डर के पीछे हट जाते हैं, इसीलिए तो उसको गलत करने की हिम्मत मिलती है। अगर हम लोगों के आगे बढ़ने से चार लोग भी सुरक्षित रहेंगे तो हम लोग कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। तुम लोग सिर्फ गुरु को जानते हो, लेकिन उसके ऊपर किसका हाथ है ये नहीं जानते। वो कौन हो सकता है यार? एकलू, लोडिंग हो गई क्या? हो गया भाई। अरे बताना भूल गया, वो हॉस्टल का लड़का और उसके दोस्त कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं। ऐसा है क्या? गांव में आके मेरे बारे में पूछताछ कर रहे थे। उन लोगों को भी साथ में खत्म कर दे। उस दिन वो नेता हमारे बीच में आके अपनी टांग नहीं घुसा था ना, उसी दिन उसे खत्म कर देता। ठीक है नेताजी, हम लोग निकल रहे हैं, अब पावर कट करने को बोल दो। ए मूर्ति, जल्दी जाकर पावर कट कर, समझ गया ना? कल्लू, तू गाड़ी निकाल। ठीक है भाई। नेताजी, जो मैटर मैंने बोला था उसे जल्दी खत्म कीजिए, बाकी हम देख लेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। तो तेरी तो पनौती की तरह गाड़ी के सामने चलाया। हाँ नेताजी। हाँ बोलो गुरु। हमेशा की तरह एक शिकार फंस गया है, अगर जिंदा होगा तो आपके काम आएगा, नहीं तो नदी में फेंकवा देना। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। क्या हुआ नेताजी? हमारी गाड़ी जरा जीरो पॉइंट एरिया में फंस गई है, मैं जरा जाकर देख कर आता हूँ। नेताजी, मेरी बात को भूलिएगा मत प्लीज। अरे यार, वो कम से कम 500 लोड है, ये कितना बड़ा मामला है, ये इतना आसान नहीं है। अब आप ही कुछ करिए ना। तुम बेवजह फिक्र कर रहे हो, ये करो ना, लेकर आओ। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। ठीक है, मिलकर खर्चे के लिए रख लेना। ठीक है, मैं निकलता हूँ। नेताजी, गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ? 8वें नंबर गली में। ठीक है, तू जा, मैं देख लेता हूँ। ठीक है नेताजी। जल्दबाजी मत करना गुरु, ये एक लड़की का मामला है, जल्दबाजी करेगा ना तो मिट्टी में मिल जाएगा, शांति से रहना। और मैं कितने दिनों तक ऐसे रहूंगा नेताजी? गुरु छोड़ ना, हमारे गांव में हमसे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता, जाने दे, देख लेते हैं। नेताजी रुक जा, कौन है मैं देखता हूँ। और नेताजी क्या चल रहा है यहाँ पे? आ जाओ, तुम ही हो क्या? आ जाओ, एक पैक तुम भी ले लो। बस नेताजी, नाइट राउंड पे हूँ। ठीक है नेताजी, उस दिन एक काम के लिए मैंने बोला था ना आपसे, उसी बारे में उन लोगों को बुलाया है मैंने। ठीक है, बुलाओ, बात कर लेते हैं। ए इधर आ, बताओ अपने प्रोजेक्ट के बारे में। हेलो सर, हम लोग सिंगल पट्टी में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की सोच रहे हैं। उसी सिलसिले में सर, हम पास के गांव में रेती लाने के लिए गए थे, लेकिन वहां के लड़के बहुत लफड़ा कर रहे हैं सर, क्या करें, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इस बारे में हमने इंस्पेक्टर सर से बात की थी, अगर आप साथ दे दें तो थोड़ा हमारा प्रोजेक्ट भी अच्छा हो जाता सर, मजा आ जाता। इंस्पेक्टर को बता दिया ना? ठीक है, बाकी सब हम देख लेंगे। इसमें 1CR है। अच्छा ठीक है, तो हम लोग चलें सर, आप लोग जाइए, मैं मिलता हूँ फिर। नेताजी अभी निकलता हूँ मैं। ठीक है, प्रोजेक्ट हाथ में आ गया तो अपनी डीलिंग मत भूलिएगा आप।
देखो तुम टेंशन मत लो, मिल जाएगा। जी चलता चलता गुरु। बाय इंस्पेक्टर। क्या नेता जी, लगता है बड़ी मछली का ऑर्डर है। अच्छा सुनो गुरु, उन लोगों ने कहा है 3 CR देंगे, लेकिन उस गांव में जैसे लफड़ा हुआ अपने एरिया में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? नेता जी वो मैं देख लेता हूँ, उस दिन जो जाल बिछाई थी उसमें एक फंस गया था, बाकी मिस हो गए थे, लेकिन आज ऐसा फंदा डालूंगा कि सबके सब नप जाएंगे। ठीक है गुरु, मैं तालाब के पास जा रहा हूँ, उधर का काम निपटा कर तुम वहीं आ जाना। जी कल्लो तू सामान लेके छोटी गली में जा, और ए तू बड़ी गली में जाएगा, ठीक है? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, ध्यान रहे, इस बार मिस नहीं होना चाहिए। ए तू सोच क्या रहा है यार? कुछ नहीं यार, गांव वाले कहते हैं कि गुरु लीगली रेती ले गया था, लेकिन वो ऑफिसर जैसा बोलता है उससे तो यही लग रहा है कि गुरु नेताजी के साथ मिलकर इस गांव के रेत की तस्करी कर रहा है। सही बोला भाई, मुझसे और आनंद से टकराने वाली लॉरी भी एक ही है, एक ही लॉरी एक ही टाइमिंग। लेकिन एक बात बताना मैं भूल गया, उस दिन बिजली भी कट गई थी। ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारे गांव में जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उसकी वजह यही लोग हैं। ए वो सब तो छोड़ यार, पहले ही हम लोग बहुत कुछ खो चुके हैं, हम लोग क्यों इस लफड़े में पड़े। ए क्या बोल रहा है तू, उस एक्सीडेंट में हमारा दोस्त मारा गया है, जैसे भी हो हमें सच का पता लगाना होगा। अरे यार हम 4 ही लोग हैं, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ए अगर हम लोग ये सोच के बैठ जाएंगे कि सिर्फ 4 लोग हैं तो एक दिन पूरा गांव खत्म कर देगा। हे उनके गांव से रेत लेना और हमारे गांव के हादसे से क्या संबंध है? क्या संबंध है, तुझे पता है किसान लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? गांव के किसी तालाब में एक बूंद पानी नहीं है, इसकी वजह जानते हो तुम लोग? जब ये लोग रेती निकालते हैं तो साथ में पानी भी निकलता है, और ये लोग अपने फायदे के लिए जरूरत से ज्यादा रेती निकाल रहे हैं, इसलिए पानी का लेवल कम हो गया है। पहले 50 फीट पे पानी निकलता था, आज 500 फीट बोर करने पर भी किसानों को खेती बाड़ी के लिए एक बूंद पानी नहीं मिलता है, इसीलिए किसानों को लोन लेना पड़ता है, और नहीं चुका पाने की वजह से वो लोग आत्महत्या करते हैं। ए यार ये सब ठीक है, पर क्या हम 4 जन मिलकर सभी किसानों की समस्याओं को दूर कर पाएंगे क्या? हर जगह की तो नहीं, लेकिन गाँव की प्रॉब्लम तो दूर कर सकते हैं ना। वो सब ठीक है, हमें आगे क्या करना है? आज के बाद अगर गांव में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें उसका पता लगाना है, ठीक है? ठीक है। किसने भेजा है तुम लोगों को? अरे ये बात तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? थोड़ी देर में तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ए, कौन हो तुम लोग? हमारे गांव से तुम लोग आखिर रेती क्यों चोरी कर रहे हो? किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। तू क्या कर लेगा बे? बोलना क्या कर लेगा। पुलिस के पास जाऊंगा मैं। तो जा। कोर्ट जाऊंगा। जा। सारे गांव में बताऊंगा। ए यहां से जिंदा जाएगा तो सबको बताएगा ना। हा? मुझे मार दोगे तो क्या, बच नहीं पाओगे तुम लोग। तुझे अब तक समझ में नहीं आया क्या, गांव में जो बार बार एक्सीडेंट होता है वो कैसे होता है पता है? वो सब मेरा किया धरा है, रेती उठाते समय जो भी बीच में आता उसे उड़ा डालते हैं। कौन मुझे रोकेगा बे? हाँ ए इधर क्या लफड़ा चल रहा है? हाँ
नेताजी, गांव में रेती की चोरी यही लोग कर रहे हैं मिलकर। नेताजी, आप इस मामले में मत पड़िए। तू हमारे होते हुए हमारे गांव में चोरी करेगा? नेताजी, इनको छोड़िएगा नहीं। ए, अपना मुंह बंद कर, मार डालूंगा तुझे। तू कहां आकर किसे मारने की धमकी दे रहा है? ए गुरु, इसे उठाकर जीरो पॉइंट में डालो। शंभू पांडे, आजा। तेरी बातों से पता चल रहा है कि तुम मेरे ऊपर कितने गुस्से में है। क्या गुरु, तुम्हारे लड़के काम भी बराबर नहीं कर सकते? सभी काम हमको ही करना पड़ेगा क्या? तेरे बाप को जहां मारा था वहीं तू भी मरने आया है? तेरी ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। और करेगा चोरी। हे गुरु, इसे खत्म करके जीरो पॉइंट में डाल दो। हे भगवान, छोड़ के चला गया, अब मैं क्या करूंगी?
यहाँ से, चलो चलो निकलो निकलो सब लोग, चलो जाओ।